तेरा मुस्कुरा दे महका दे इस हवा को with your smile and touch of your lips and the world flips and dances to your style. समाना है सुन रहा तुझे सुन रहा तुझे सुन रहा गा दे कोई धुन जरा कोई धुन जरा तेरा मुस्कुरा दे महका दे इस हवा को with your smile and touch of your lips and the world flips and dances to your style. कोई रोके हाय वेलकम वेलकम बैक टू आईपी एडवेंचर इंस्टा। और हम लोग निकल रहे हैं नया ट्रिप पे और चल रहे हैं हम लोग मुन्नार। अभी मुन्नार मुझे घर से दिखा रहा था 554 किलोमीटर और अभी मैं कुछ देर आ चुका हूँ। अभी 412 किलोमीटर बचा हुआ है जो दिखा रहा है मुझे 10 घंटा लगेगा पहुँचने में। मैं होसुर रोड पकड़ के जा ही रहा था कि बीच में मुझे गूगल मैप ने बोला कि एक डाइवर्शन है ले लो जल्दी पहुँचोगे, तो लेके मुझे लग रहा है कि गलती कर दिया। खैर कोई नहीं, जो भी है पहुँच जाएंगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। बट फिलहाल अभी चलते हैं मुन्नार के तरफ। और बहुत लोगों को पता ही है कैसे मुन्नार जाते हैं क्योंकि गूगल मैप अभी आ गया है तो रास्ता सभी को पता है। तो मैं वो दिखा के बोर नहीं करता हूँ, सीधा मुन्नार पहुँच के होटल में मिलते हैं। चलो अब मिलते हैं मुन्नार में। तो देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए हैं मुन्नार और टाइम हो रहा है 3:30 बजे और मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मुन्नार क्योंकि ऐसे चारों तरफ टी गार्डन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से हम लोगों का होटल और 28 किलोमीटर्स दिखा रहा है। और हम लोगों का जो होटल है वो गैप रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो पहुँचते हैं अभी होटल और थोड़ा एंजॉय करते हैं ये ब्यूटी। सच में मुन्नार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मिलते हैं अब सीधा होटल जाके। வானிலாய் விடருமே கிரணமே பாரிலாய் நிறையுமே மதுரமே வீண்டும் காத்திடாமே மனுஷரும் तो मुन्नार में हम लोग यहाँ आके रुके थे द विंड मुन्नार। बहुत शाम हो गई थी तो दिखा नहीं पाया, सो आज मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो रास्ता थोड़ा सा अंदर तरफ है और ये आता है गैप रोड के पास। सो गैप रोड से थोड़ा सा आगे जाके ये आता है। तो लोकेशन अराउंड मुन्नार टाउन से 22 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन अगर आपको सिटी के हसल एंड बसल से दूर रहना है बहुत सेरीन प्लेस है और बहुत ही पीसफुल जगह है। सो मैं अब दिखाता हूँ आपको अपना रूम। रूम में जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। Savariya
काफ़ी स्पेशीज है और ये बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत ही स्पेशियस बाथरूम है। इस होटल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कैसे कांटेक्ट करना है और कितना प्राइस रेंज में आता है सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे रूम का पड़ता है 2500 पर डे और विदाउट एनी मील्स। सो अगर आपको कुछ भी खाना है, किचन है यहाँ पे, फूड क्वालिटी थोड़ा बेटर हो सकता था बट हाँ, काम चलाने के लिए ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ से 4 किलोमीटर जाना है, वहाँ से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको रास्ते में जाते जाते बताता हूँ। फिलहाल तैयार होते हैं, मिलते हैं रोड पे। तो आज का पहला डेस्टिनेशन है अनियर अंगल डैम, और ये एक अर्देन डैम है पनियर रिवर के ऊपर। हम लोगों का होटल से ये करीब 5 किलोमीटर में ही था, तो पहले इधर आ गए और अभी फ़िलहाल डैम थोड़ा घूम लेते हैं और कुछ वीडियोस वगैरह शूट करके मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, चिर वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगा मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा। पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, चिर वाले आ चिर वाले आ चिर वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगा मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा। डैम से निकल के हम लोग आ गए हैं टुवर्ड्स अत्तुकल वाटरफॉल्स। हम लोगों को सिटी में थोड़ा काम था इसलिए हम लोगों को मुन्नाट की तरफ आना पड़ा, तो सोचे कि थोड़ा अत्तुकल वाटरफॉल्स घूम लेते हैं और आसपास जो होगा वो देख लेंगे, और वापस जाते टाइम हम लोग गैप रोड पे थोड़ी देर रुकेंगे फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए। तो फ़िलहाल आ गए हैं अत्तुकल वाटरफॉल्स और एंजॉय करते हैं यहाँ की व्यू। अत्तुकल वाटरफॉल्स घूम के हम लोग चले गए थे पोथामेडी व्यू पॉइंट, और वहाँ पे भी उतना खास कुछ नहीं लगा क्योंकि गैप रोड का व्यू और ज़्यादा सुंदर था, इसलिए हम लोग सोचा कि चलो गैप रोड ही चलते हैं और वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर लेते हैं। और फिर हम लोगों को लंच के लिए भी रुकना है, तो गैप रोड ही हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। फिर देखते हैं गैप रोड घूम के और कहाँ जाएंगे, फिलहाल पहुँचते गैप रोड। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटे। सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आंच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। गैप रोड घूम के हम लोग आ गए कलड़ी क्षेत्र, और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे देखिए।
आज का दिन यहीं पे ही ख़त्म होता है। थोड़ा मार्केट घूम के यहाँ से हम लोग थोड़ा डिनर करके अपने होटल निकल जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही एडवेंचरस डे पे। गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। कलरी क्षेत्र देखने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केट घूम के निकल गए थे अपने होटल की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को बहुत सुबह निकलना था। हम लोग प्लान बनाए थे जाने का कलुकुमलाई, और यहाँ जाने के लिए आपको एक 4x4 जीप हायर करना पड़ेगा जिसका रेट है 2500 और ये गवर्नमेंट फिक्स रेट है। तो और ये एडवेंचर करना है तो ज़रूर जाइए। आगे देखते हैं कलुकुमलाई की रास्ते और वहाँ के कुछ व्यूज़। जब आ ही गए कुलुकुमलाई, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जीप राइड वाज रियली एडवेंचरस, बहुत मज़ा आया, लेकिन हाँ थोड़ा डर भी लग रहा था और शरीर के जितने हड्डी पसली थे सब एक हो गए। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुलुकुमलाई के बारे में। कुलुकुमलाई ये साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है और विंटर सीजन में इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो पहुँच जाता है। और ये जो आप जितना टी एस्टेट आप मुन्नार में देख रहे हो, पता है कौन ओन करता है? हमारे टाटा। सो ये HML के अंदर आता है, बट दिस टी एस्टेट्स आर ऑल लीज्ड बाय टाटा, ऐसा मैंने सुना है। ये जो हमारा ड्राइवर था यही बता रहे थे कि टाटा ने सारा टी एस्टेट, ये टाटा का ही है जितना मुन्नार में है, मैक्सिमम टी एस्टेट्स आर ओन्ड बाय टाटा। और यहाँ पे नीचे में छोटे छोटे ऐसे घर देख रहा था, तो उनके पास जाके पता चला कि वो उनके जो टी एस्टेट में काम करने वाले होते वो उनके ही क्वार्टर्स है। तो टाटा उनके लिए क्वार्टर भी बना दिया है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू आवर फिलैंथ्रोपिस्ट। तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं यहाँ की व्यूज़ और देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। और हाँ, ये हम लोगों को लेट हो गया था निकलने में, कोशिश करना कि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने हो, वो बहुत ज़्यादा औसम होगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट स्पॉट पे। कुलुकुमलाई का 4 घंटे के ट्रिप के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेके आ गए थे एक एलिफेंट टर्न, और यहाँ आके पारोमिता का बहुत मन था कि उस एलिफेंट को कुछ खिलाए, तो मैंने एक बास्केट तो ले लिया था पाइनएप्पल का। अब पारोमिता पहले पापा को बोल रहे हैं कि पहले आप खिलाओ, देखते फिर मैं खिलाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी चल रहा था उधर। अभी देखते हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं, नहीं तो हम लोग आज शायद इसके बाद होटल चेक इन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है, बताता हूँ आगे। अभी मैं आ गया हूँ मुन्नार का बोटेनिकल गार्डन, लेकिन बीच में एक बहुत मस्त ट्विस्ट हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही जो ट्विस्ट हुआ है तो बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। तो एक्चुअली अच्छा क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, छोड़ो। अभी मैं बोटेनिकल गार्डन आया हूँ, और यहाँ के जो डेकोरेशंस है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं वो दिखाता हूँ पहले। Thank you.
तो बोटेनिकल गार्डन का एंट्री लगता है 60 रुपये पर हेड, और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये अब शाम को ही आना, और यहाँ पे 7 बजे से एक फाउंटेन शो होता है, वो ज़रूर देखना, बहुत मस्त होता है। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, 60 रुपये देने में और ये ब्यूटी देखने में दोनों का कंपैरिजन सच में नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और सही में आप आ रहे हो मुन्नार तो ये जगह भी बिल्कुल मिस मत करना। मुझे पता है कि मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि मुन्नार में ये बहुत अच्छा है, ये आप बिल्कुल मिस मत करना, बट क्या करें, जगह ही कुछ ऐसा है। होटल वाला ट्विस्ट ये है कि हम लोगों को विंड में 2 दिन का ही रिजर्वेशन मिला था, और हम लोगों को रहना था 3 दिन, इसलिए हम लोग लास्ट डे पे सिल्वर टिप्स आ गए थे। और सिल्वर टिप्स का कहानी ये है कि सिल्वर टिप्स पहले हुआ करता था एक सिनेमा हॉल, लेकिन अभी एक होटल में कन्वर्ट हो गया है, इनके जो मालिक है वो कन्वर्ट कर दिया है, और हर एक फ्लोर इसका एक स्पेशलिटी है, और यहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार्स आके रुकते भी हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टार भी रुके थे, और हम लोगों का बहुत ही फेवरेट शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भी यहाँ पे आके रुके थे एक फिल्म की शूटिंग के लिए जो मुन्नार में हुआ था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी मूवी थी, और उनके जो ड्रेसेस थे अभी भी वो प्रिजर्व्ड है। तो जो लोग शाहरुख खान की बहुत बड़ा फैन हो और दीपिका पादुकोण की बहुत बड़े फैन हो, आके चेक कर सकते हो ये होटल। फिलहाल होटल देख के हम लोगों को जाना है मार्केट, क्योंकि मेरी बेबी का खाना ख़त्म हो रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए टॉप स्टेशन देखने, और अभी पहुंच गए हम लोग टॉप स्टेशन, और ये आता है केरला और तमिलनाडु बॉर्डर में। एंट्री रुपीस है 20, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वीकेंड के लिए। फिलहाल देखते टॉप स्टेशन, और यहाँ से निकल के और एक जगह जाना है, और वही शायद लास्ट हम लोगों का स्पॉट होगा इन मुन्नार। पहले टॉप स्टेशन देखते हैं। हाल मुन्नार का वीकेंड में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी कुछ देर पहले हम लोग आए, एक 2 किलोमीटर जाने में हम लोगों को 25 मिनट लग गया। सो दिस इज़ अवर लास्ट डे इन मुन्नार, एंड वी विल बी गोइंग बैक टुमॉरो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज, एंड इफ यू लाइक डू सब्सक्राइब। थैंक यू। मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर नया सा है।
कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है।